हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के ऊपर आज हम लोग 30 MCQs को सॉल्व करने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और मैं 30 क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो गाइस, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका मिस ना हो पाए, और कोरोना वायरस के चलते जितनी भी जानकारी इकट्ठा हो पाई है उसको आप क्या है पूरा एक कंप्लीट वीडियो में देख पाएँ। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए, अब हम लोग को पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है। इसमें बताना, इसमें पूछा गया है कि जो कोविड-19 को जो महामारी घोषित किया गया है वह किसने घोषित किया गया है। तो किसने घोषित किया है, तो WHO ने। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, WHO। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया है, तो WHO ने घोषित किया है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरोना वायरस के चलते कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। यहाँ पे पूछा गया है कोरोना वायरस के चलते कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन है, तो इसमें भारत का पूछा गया है। तो इसमें भारत का कौन सा राज्य है, तो पंजाब राज्य है। तो पंजाब ने सबसे पहले कर्फ्यू के चलते पंजाब में कर्फ्यू लगाया था। तो गाइज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क या लीवर। तो इसमें बताना है कि कोरोना वायरस के चलते शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क या लीवर। तो गाइज, आप सभी को पता है कि जो कोरोना वायरस है वो किसको इन्फेक्ट करता है, तो लंग्स को। लंग्स मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, फेफड़ा। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है, इल्सा, RT-PCR या GCR या उपरोक्त सभी। तो इसमें पूछा गया है कि कोरोना वायरस का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का क्या नाम है। तो गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है ये क्वेश्चन कि कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है, तो RT-PCR। अब RT-PCR का यदि फुल फॉर्म पूछा जाए तो रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, RT-PCR। तो कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है, तो RT-PCR। तो इसका यदि फुल फॉर्म मैंने भी बताया, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो गाइस, ये हो गया आपका चौथा नंबर का आंसर, हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए, हम बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है ना, जो कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई वो चीन के वुहान शहर से हुई। यह चीन के किस प्रांत में स्थित है, तो इसमें बताना है, प्रांत मतलब होता है राज्य। तो जो वुहान शहर है वो चीन के किस राज्य में है, प्रांत का मतलब यहाँ पे राज्य से है, तो यहाँ प्रांत को राज्य ही बोला जाता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई, चीन के किस प्रांत में है, हुबेई, संघाई, शेंजेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हुबेई है, मतलब ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। जो चीन का जो वुहान शहर है वो कहाँ पे स्थित है, तो हुबेई शहर, हुबेई राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है। ये देखिए, जो कोरोना वायरस लिखा हुआ है, कोविड-19 ये लिखा हुआ है, कोविड-19, इसमें जो VI का मतलब क्या है, ये जो VI है इसका मतलब क्या है, ये वाला VI, तो CO के बाद जो VI है उसका मतलब बताना है। तो VI का मतलब होता है वायरस, और CO का मतलब क्या है, देखिए ये जो स्टार्टिंग का जो दो वर्ड है CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब है वायरस, D का मतलब है डिजीज़, ये जो लास्ट में D जो है डिजीज़, और 19 का मतलब है 2019। तो देखिए, VI का क्या मतलब हो जाएगा, ये वायरस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इधर हो गया है, बट ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ये CO का मतलब है, कोरोना वायरस मतलब CO है ना, और VI मतलब क्या हो जाएगा, वायरस है ना। तो VI का मतलब हो जाएगा वायरस। तो यहाँ पे VI शब्द का क्या मतलब है, वायरस। यहाँ पे हर एक वर्ड का आपको पता होना चाहिए, कोविड-19 का क्या मतलब, CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, और D मतलब डिजीज़, और 19 मतलब 2019 में इसका क्या हुआ, इसको पता चला है ना। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। चलिए, बढ़ते हैं आगे। 7, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। तो देखिए, कोरोना वायरस को महामारी
घोषित करने वाला जो पहला राज्य था वो पहला राज्य कौन सा था, तो इसमें आपको बताना है। तो जो पहला राज्य था वो था हरियाणा। तो देखिए कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य था हरियाणा, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका पता होना चाहिए आपको। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था, वो था हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत ने, ये देखिए भारत ने सार्स कोविड 19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो इसमें पूछा गया है कि सार्स कोविड 19 इमरजेंसी फंड में भारत ने कितने रुपए की सहायता राशि दी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वन इज़ द राइट आंसर, $10 मिलियन, है ना। $10 मिलियन की इसको सहायता दी गई थी SARC सार। देखिए जो SARC जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है सार का। दक्षिण एशियाई देश जो है ना वही है सार, दक्षिण एशियाई देश। इसी को इंग्लिश में इसी का यदि फुल फॉर्म लिखा जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी सार्स की, तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सार्क में कितने देश शामिल है, तो 8 देश इसमें शामिल है जिसमें भारत भी इसमें शामिल है। तो गाइस पता चल गया आपको, सार्स कोविड 19 इमरजेंसी फंड में जो भारत ने $10 मिलियन की जो सहायता राशि दी थी। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूज़र्स को कोरोना वायरस में जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया, मतलब कौन सा फीचर लॉन्च किया है। तो इसमें बताना है कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में अपने यूज़र को कोरोना वायरस से जानकारी देने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है। तो कौन सा फीचर लॉन्च किया गया है, तो इंस्टाग्राम फीड, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें देखिए क्या पूछा है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया, इसमें कौन सा फीचर लॉन्च किया। तो देखिए कोरोना वायरस के चलते व्हाट्सएप ने कौन सा फीचर लॉन्च किया था, व्हाट्सएप चैट बैट, यहाँ पे बैट छूट गया है, तो इसको आप क्या है इंक्लूड कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें मतलब कि व्हाट्सअप चैट बैट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। व्हाट्सअप ने कौन सा फीचर ऑन किया था, व्हाट्सअप चैट बैट, यहाँ पे बैट थोड़ा मिस हो गया है, तो इसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गूगल ने कौन सा वेबसाइट को मंजूरी दी गई थी। देखिए यहाँ पे मंजूरी से है मतलब कि लागू किया गया था, तो कौन सा है, तो google.com/covid19 ये वेबसाइट को लॉन्च किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा गूगल जो है गूगल से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की जो की संरचना किसके समान दिखाई देती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसी के नाम पे इसका नामकरण हुआ है, जो क्वेश्चन आगे इंक्लूड किया गया। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की जो संरचना है वो क्राउन की जैसे दिखाई देती है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ा क्यों। पहला ऑप्शन इधर थोड़ा इंक्लूड हो गया है, यह ऑप्शन नंबर 1 है, क्राउन जैसे स्ट्रक्चर होने के कारण, कीड़े जैसे स्ट्रक्चर होने के कारण, अंगूठी जैसे स्ट्रक्चर होने के कारण, या चमगादड़ जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। तो जो राइट आंसर है वो आपका है क्राउन जैसे स्ट्रक्चर होने के कारण। मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया था कि जो कोरोना वायरस की संरचना है वो किसके समान है, कोरोना के क्राउन के जैसे है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कोरोना वायरस का जो नाम पड़ा वो क्राउन जैसे स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। देखिए कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो गया यहाँ पे। तो जो कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है, तो ये सार्स और मार्स दोनों से संबंधित है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 का सही हो जाएगा, सार्स और मार्स दोनों, है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब की गई थी, देखिए पहली बार जो कोरोना वायरस की जो पहचान की गई थी वो की गई थी 1960 ईस्वी में। कब की गई थी, 1960 ईस्वी में, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 1960 में पहली बार इसकी खोज की गई थी, मतलब इसका पता लगाया गया था। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, है ना। बुखार है,
कि खांसी है कि सांस लेने में तकलीफ़ है। तो देखिए ये तीनों लक्षण क्या है, इंक्लूड है, ये तीनों लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, है ना। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस COVID-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, N1H1, इबोला या SARS CoV-2, है ना। तो इसमें जो कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार है वो SARS CoV-2 है। अब इसका यदि फुल फॉर्म, ये मतलब ऑप्शन नंबर 3, यदि इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो फुल फॉर्म ये मैं बता देता हूँ, SARS CoV-2 का फुल फॉर्म है सेवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, है ना। इसको आप क्या है, मैं बोल रहा हूँ आप इसको लिख लीजिए, फिर से बोल देता हूँ, सेवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 इसका क्या है फुल फॉर्म है। तो इस COVID-19 के वायरस के लिए कौन जिम्मेदार है, SARS CoV-2, है ना। इसको आप क्या है नोट कर लीजिए, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप क्या है नोट करते चलिए। अब देखिए UNCTD रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है, 10वें स्थान पे, 8वें, 13वें, 9वें। अभी अभी रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले ही, उसमें बताया गया है कि जो भारत जो है कोरोना वायरस ग्रसित होने के कारण जो अर्थव्यवस्था में किस स्थान पे है, तो अर्थव्यवस्था के 10वें स्थान पर है। अब देखिए जहाँ पे UNCTD है ना, ऑप्शन नंबर आपका 10 क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मतलब 10वां स्थान है, है ना। अब UNCTD का यदि फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 19वां क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो कोरोना वायरस का जो नाम उत्पन्न हुआ है वो लैटिन भाषा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस किस राज्य में आया। तो सबको पता है जो भारत में कोरोना वायरस का जो पहला केस आया वो कहाँ, किस राज्य से आया था, केरल राज्य से आया था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 21 नंबर क्वेश्चन, COVID-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है। अब देखिए पहला राज्य जो था वो कौन सा राज्य था, तो पंजाब राज्य था। कोरोना वायरस के चलते कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब, तथा लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन था, तो लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य था राजस्थान, है ना। यदि यहाँ पे देखिए कर्फ्यू पूछ लिया है, अब यहीं पे यदि लॉकडाउन पूछ लिया था कि COVID-19 के चलते कर्फ्यू लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य था राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं आगे। WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी रुपए की सहायता राशि दी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने रुपए की सहायता राशि दी, तो $675 मिलियन, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी राशि है ये $675 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, 1 हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। चाइना में फंसे 324 भारतीयों को निकालने के लिए किस विमान का प्रयोग किया गया था। चाइना में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा भारत लाया गया था। यहाँ पे के विमान काट दीजिए, यहाँ पे इतना देखिए, देखिए चाइना में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा भारत लाया गया था। तो कौन से विमान के द्वारा भारत लाया गया था, तो एयर इंडिया 324। या ये भी पूछ सकते हैं कि वुहान शहर, चाइना में वुहान शहर में फंसे कितने भारतीयों को लाया गया, तो 324 भारतीयों को लाया गया था, ये 324, और कौन सी विमान, एयर इंडिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24, रिलायंस ने भारत का पहला कोविड अस्पताल कहाँ खोला। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि पहला अस्पताल जो COVID-19 का खोला गया था वो मुंबई में खोला गया था, और कौन सा हॉस्पिटल था वो, तो सेवन हिल्स। तो बहुत मुंबई का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है सेवन हिल्स, तो मुंबई में खोला गया था कोरोना वायरस का, रिलायंस ने भारत का पहला COVID-19 समर्पित हॉस्पिटल खोला था मुंबई में, और वो कौन सा हॉस्पिटल था, सेवन हिल्स था। चलिए अब हम बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला, मतलब टोक्यो ओलंपिक 2020 अब 21 में होगा, लेकिन जब 21 में नहीं होने वाला था, मतलब कि ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं होता कि अगले साल होगा, तो कनाडा पहले ही अपने आप को टोक्यो ओलंपिक से अलग कर लिया था, कि मतलब हम अब कनाडा के जितने भी प्लेयर हैं टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे। तो अब ये क्या है, पोस्टपोन हो गया, 2021 में होगा। 21 किस बैंक ने कोविड इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड
क्रेडिट लाइन लॉन्च की है। तो किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है SBI ने, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चैन है यहाँ पे का अभियान, ब्रेक द चैन, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे आप क्या है सुधार लेंगे, ब्रेक द चैन मतलब कि चेन को तोड़ना, ब्रेक इसके बाद से यहाँ ब्रेक द चैन का अभियान का प्रारंभ किया था, तो कौन सा राज्य था, तो वो था केरल राज्य था, केरल राज्य के द्वारा ब्रेक द चैन का आरंभ किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जा सकता है क्योंकि पहला मरीज जो मिला था वो केरल में मिला था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई, तो कौन से वायरस दवा की सिफारिश की गई थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोविन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पूछ भी सकता है कि कोरोना वायरस के लिए कौन सी दवा यूज़ किया जाता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोविन है ना, तो ये ICMR ने इसका क्या सिफारिश भी की थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। 29 की ओर देखते हैं, कोरोना वायरस से ग्रस्त होने के बाद ठीक होने की दर विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो विश्व कोरोना वायरस से ग्रस्त होने के बाद ठीक होने की दर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो भारत में है। देखिए 20 लाख पहुँच गई केस जो है भारत में 20 लाख पहुँच गया है, लेकिन वर्तमान में 20 लाख केस हो गया, लेकिन अभी तक यदि डेथ रेट यदि पूछा जाए तो 3-4% ही है, 3-4% ही है डेथ रेट। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कोरोना वायरस से ग्रस्त होने के बाद रिकवरी की चांस जो है वो भारतीयों में सबसे ज़्यादा है, भारतीय जो सबसे ज़्यादा ठीक होकर वापस आ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, कोरोना वायरस के चलते सबसे ज़्यादा मरीज किस देश में मिले हैं, तो किस देश में मिले हैं आपको ही पता है, अमेरिका के बाद अभी जो है ब्राज़ील, उसके बाद भारत, अभी भारत का थर्ड स्थान है। तो गाइस ये रहा आज का MCQs। तो गाइस जो लोग भी मेरे चैनल पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस विषय में चाहते हैं तो प्लीज़ उसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।